गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास या यूट्यूब चैनल पे। आज की 30 अक्टूबर करंट अफेयर वीडियो को शुरू करें क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुमंगला योजना शुरू की है? तो किस सरकार ने की है? तो वो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उसको शुरू किया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक बालिका सशक्तिकरण योजना, जिसके तहत हर परिवार को 15,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें एक बालिका जन्म लेती है खाते में पंजीकृत नगद लाभ या पंजीकृत लड़कियों को चरणबद्ध तरीके से संसाधित किया जाएगा। जब एक बालिका विभिन्न उपलब्धियों को पूरा करेगी, जैसे टीकाकरण कक्षा 1, 5 और 9 में प्रवेश स्नातक करेगी, तो उनको टोटल 15,000 रुपये इनको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 2, इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI गोवा में नवंबर 2019 को कौन सा संस्करण किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 50वां। कौन सा? 50वां जो संस्करण है वो किया जाएगा गोवा में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, वो किया जाएगा गोवा के अंदर। ये होगा 20 से 28 नवंबर तक, अपना स्वर्ण जयंती संस्करण मनाएगा। IFFI को 8 अलग अलग देशों की 8 फिल्मों को दिखाने के साथ स्वर्ण म्यूर प्रो प्रवाही के माध्यम से अपनी यात्रा को दोहराना है। IFFI की जो स्थापना वो हुई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। और इसका जो पहला पुरस्कार वो दिया गया था 1965 में। कब दिया गया था? 1965 में इसका फर्स्ट पुरस्कार मिला था, और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, वीरेंद्र सिंह यादव किसके लिए, जो भारत के हैं, नवनियुक्त राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं इराक के लिए। जी हाँ, इराक के लिए उनको नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप में। इराक गणराज्य में भारत के जो है राजदूत होंगे। न्यूजीलैंड के वर्तमान राजदूत हैं मुकेश कुमार परदेशी। समोआ के अगले क्या होंगे? उच्चायुक्त होंगे। क्वेश्चन नंबर है 4, सतर्कता आयोग जागरूकता सप्ताह, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के निर्देशों के अनुसार 28 अक्टूबर और 2 नवंबर 2019 के बीच मनाया जाना है। वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है? तो आपको बताना है जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वर्तमान में, वो कौन है? तो वो है शरद कुमार। कौन है? शरद कुमार। और ये उनका लोगो है सतर्कता आयोग यानी CVC का। पारदर्शिता और अखंडता जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा हर साल अक्टूबर और अंतिम सप्ताह को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यह जनता के साथ बढ़ती जागरूकता पैदा करता है, हितधारकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष को सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय था ईमानदारी है जीवन जीने का एक तरीका। CVC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1964 में, एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी, जो सामान्य अधीक्षण और सतर्कता प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए था। वर्तमान में पूर्व NI प्रमुख हैं शरद कुमार, केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, नए बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो उनको किया गया है PS मुख्य जम्मू कश्मीर के पूर्व जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, तो उनको गोवा ले जाया गया है। और गिरीश चंद्र जो मुमर है यानी गिरीश चंद्र जो मुमर, उनको नए केंद्र शासित जो प्रदेश है अपने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी उन्हें लद्दाख के जो उपराज्यपाल बनाए गए हैं। और राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख का, राधा जो कृष्ण है उनको लद्दाख का बनाया गया। ये लद्दाख के जो है राधा कृष्ण है वो उपराज्यपाल। और अनुलेख श्रीधरन पिल्लई जो है मिजोरम के बनाए गए हैं। कहाँ के बनाए गए हैं? मिजोरम के। तो आपको पूछा जा सकता है कि श्रीधरन पिल्लई को कौन से राज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो वो बनाया गया है मिजोरम की। और जो आज का सवाल आपके लिए वो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के किस स्थान पर अपनी हालिया खुदाई में 200 साल पुराना जो है समुद्री केंद्र पाया है? तो वो कहाँ पे पाया है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शनों के द्वारा आप नीचे आंसर दे सकते हैं। ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, और जो उससे पिछले का जो क्वेश्चन था वो था कि हाल ही में प्रकाशित इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है वो इस रैंकिंग को प्रकाशित करता है? तो वो करता है विश्व बैंक। कौन करता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक है वो इसको प्रकाशित करता है। तो
उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।